और मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझे जरूर बताना। अभी मैं सिर्फ आधा घंटा ले रही हूँ, पेट रखती हूँ। वैसे 70% वाला ले रही हूँ बॉर्नविटा का, ऐसे छोटे छोटे पैकेट। हेलो गाइस, मैं हूँ मीतू राठौर और आप देख रहे हैं रिशेप भाई मीतू। और आज का मेरा दिन शुरू हो रहा है सिंपल वाटर से, जो कि वॉर्म है, और मैं बस यही ले रही हूँ। और मैंने यहाँ पे 2 बजे लगभग लिया है ये जामुन, और पैक करके लेके गई थी स्कूल, पर स्कूल से लौटने के बाद में मैंने लिया है लगभग 2:15 पे। और अब 3 बजे मैं ले रही हूँ अपना लंच, जिसमें मैंने बनाई है मिस्सी रोटी, और ये इंस्टेंट मिस्सी रोटी है। तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा ये अनियन सीड्स, और उसको अच्छे से गूंद के और उसको अच्छे से बेल लेंगे। और ये मैंने 40 ग्राम ही मतलब वो लिया था, बेसन लिया था, और उस पर हम अच्छे से पानी लगा देंगे और गर्म तवे पर ही डालेंगे, वरना ये रोटी अच्छी नहीं बनेगी। और फिर हम इसको ऐसे तवा उल्टा करके मीडियम हीट पे सेक लेंगे। जितनी भी करारी आप खाना चाहते हैं उसी तरीके से सेक लें इसको, और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। कभी भी आप इंस्टेंट नान खाना चाहते हो या मिस्सी रोटी खाना चाहते हो तो ऐसे घर पे बना सकते हैं। और मैंने इसमें लगाया है थोड़ा सा घी, और साथ में मैंने लिया सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम है ना जो मेरा करेला रखा था, और 60 ग्राम मेरे बैगन रखे थे, वही मैंने ले लिया है, और साथ में एक रोटी ली है। तो बस यही है मेरा आज का लंच, और ये प्रॉपर लंच है। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पे एक खीरा, और ये मेरा लंच तैयार है। बस मैं इतना ही लूँगी। अब हो गया है मेरी चाय का टाइम, और चाय का टाइम तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि इसी टाइम पे मुझे सबसे अच्छी मील लगती है। और मैंने अपने चाय को किसी और के साथ नहीं लिया है, सिर्फ जैगरी टी ले रही हूँ, और इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो बस मैं यही पीऊँगी। Show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about how you feel, just let yourself go. अभी मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, तो मैंने यहाँ पे लिया है अपना वे प्रोटीन,
और उसके बाद मेरा डिनर में खिचड़ी खाने का मन था, जो कि तहरी होती है, तो मैंने उसको थोड़े ट्विस्ट के साथ बनाया है। और मैंने इसमें सोया चंक्स का यूज़ किया है, साथ ही पनीर का यूज़ किया है, मटर का यूज़ किया है, सोयाबीन का यूज़ किया है और बीन्स का यूज़ किया है, आलू, मिर्च, इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करके मैंने बहुत ही अच्छी तहरी बनाई थी, जिसमें मैंने बहुत कम मसालों का यूज़ किया है, सब्जियाँ और पनीर और सोया चंक्स का यूज़ ज़्यादा किया, जिससे कि यह हाई प्रोटीन हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी खिचड़ी, जो सब लोग बना ही लेते हैं, तो आप भी ऐसे बनाइए और अपने खाने को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना लीजिए और हाई प्रोटीन भी, तो जिससे हमारी डाइट भी हो जाएगी और हमारे मन का खाना भी हमें मिल जाएगा। तो डिनर में मैंने सिर्फ यही ली है। मैंने इस खिचड़ी को लिया है दही के साथ में, और दही यहाँ पे मैंने लगभग 60 ग्राम ही लिया है, और 250 ग्राम मैंने खिचड़ी ली है, बस इतना ही मेरा डिनर है। और उसके बाद मैंने 10,000 स्टेप पूरे किए हैं। तो आप भी अपना ये आसान सा डाइट प्लान फॉलो करिए और एक्सरसाइज को भी करते रहिए, वॉक भी करते रहिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहा है सुबह की 6 और मुझे अपने स्कूल के लिए तैयार होना है, और मेरा सिंपल पानी पीने का मन कर रहा है, कोई और जीरा वाटर या फिर अजवाइन वाटर पीने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं ले रही हूँ नॉर्मल सिंपल वाटर। और हम सभी जानते हैं कि हमारी जो जर्नी है इंटरमिटेंट फास्टिंग की चल रही है, और जो मेरा स्लॉट है वो 2 बजे के बाद से शुरू होता है और रात के 10 बजे तक चलता है। तो गाइस, अब हम जल्दी से अपना ये नॉर्मल वाटर एक ग्लास और पीऊँगी इसके बाद लेंगे, और उसके बाद जल्दी से हम तैयार होंगे और फिर हम मिलते हैं आप। तो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ और 7:30 हो गया है और मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए, और मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझे ज़रूर बताना। वेइंग स्किल पर आपका वेट लूज हो ना हो, बट आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाते हैं, दुनिया को भूल के अपने ऊपर काम करने लग जाते हैं और अपने लिए सोचने लग जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होता है और साथ ही आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, दूसरों से मतलब नहीं है, दूसरों को हम अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, खुद को हम बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं और हमें पता होता है कि हम क्या चीज़ हैं। तो गाइस, मैं जल्दी से पानी अपना बोतल में लेती हूँ और निकलती हूँ मैं स्कूल के लिए, और आपसे घर आके मिलूँगी। और मैं ले रही हूँ फ्रूट्स में मैं ले रही हूँ एक नाशपाती है छोटी सी। हेलो गाइस, अभी हो रहा है दोपहर के 2:15 यानी कि 2:15, और अब मैं अपना फास्ट ब्रेक कर रही हूँ, और मैंने अभी सर वगैरह धो लिया है स्कूल से आके, और मैं ले रही हूँ फ्रूट्स में मैं ले रही हूँ एक नाशपाती है छोटी सी और जामुन हमेशा की तरह, क्योंकि जामुन बहुत पसंद है, ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जब तक चल रहे हैं तब तक तो खा ही लूँ, फिर तो न्यू फ्रूट्स आ जाएंगे। मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए आम मैं नहीं लाती हूँ, कभी कभी लाती हूँ, हफ्ते में एक बार आम ज़रूर खाती हूँ मैं, तो क्योंकि वो भी खाना ज़रूरी है, वो भी सीजनल के जो फ्रूट हैं वो हैं। तो अभी मैं लूँगी ये जामुन और ये नाशपाती, और लगने लगी है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि कल शाम से मैंने नहीं खाया है, मैंने 9:30 बजे लगभग या 9:15 बजे कुछ खाया था, मतलब खिचड़ी खाई थी, उसके बाद मैं ये ले रही हूँ। और वैसे तो खिचड़ी रखी हुई है, मैं इसके 15 मिनट बाद वही खाती है, लेकिन मेरा मन नहीं अभी इसे खाने का, तो मैंने थोड़ी सी दाल बना ली है, तो देखती हूँ मैं राइस बनाती हूँ, रोटी जो भी मैं बनाऊँगी आपको दिखा दूँगी, ये खाती हूँ। और आप भी अपना जो फास्ट है फ्रूट से तोड़ लीजिए, आपको कोई भी कॉम्बिनेशन याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ये खा लीजिए, उसके 10 या 15 मिनट बाद आप कोई भी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मील पे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, अभी हो रहा है 2:45 और मैं अपने लंच के साथ तैयार हूँ, और मैंने अपने लंच में लिया है 100 ग्राम जो लिया है मैंने सैलेड लिया है, और 100 ग्राम मैंने दाल ली है, ये अरहर की दाल है, और मैंने ये
लगभग है ना ऐसे ये 60 ग्राम लगभग मैंने ये कद्दू की सब्जी ली है, और मैंने आधी मिस्सी रोटी ली है, और साथ ही मैंने थोड़े से राइस लिए 50 ग्राम, सिर्फ 50 ग्राम राइस लिए क्योंकि दाल से मुझे राइस अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने हाफ मिस्सी रोटी ले ली है। लगभग 30 ग्राम की रोटी बनाई है ये मैंने, तो ये मैंने पूरा नाप के ले लिया है। तो आप सभी ने देख लिया है ये मेरी फुल लंच की थाली है, और आप इतना खा सकते हैं। मैं अपनी कैलोरी के हिसाब से खा रही हूँ, और अभी मैं प्रॉपर लंच कर लूँगी तो शाम को धीरे धीरे कम होता जाता है मेरा, तो अभी मैं यही करूँगी। और आप लोगों की जर्नी कैसे जा रही है आप ज़रूर बताइए, और आप मुझे पिछले 2-3 वीडियो से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब लगी है बहुत तेज भूख, अब 17 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है मुझे खाना खाए हुए, तो अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, फ्रूट्स मैंने खा लिए हैं, साथ ही अब मैं अपना लंच प्रॉपर करूँगी, मैं जल्दी से अपना ये लंच कंप्लीट करूँ वरना मैं भूख से मर जाऊँगी। कद्दू सब्जी बहुत टेस्टी है, मैं खाती नहीं पर बहुत टेस्टी बन गई है। हेलो गाइस, अभी हो रहा है शाम के लगभग 6:30, और इससे पहले मैंने आपको जूस दिखाया था तो बता नहीं पाई थी, मैंने अभी बाहर आई थी किसी काम से, तो पहले मैंने यहाँ पे मिक्स फ्रूट जूस लिया है और छोटा वाला ही गिलास लिया था, और उसमें मैंने कोई भी सॉल्ट और शुगर ऐड नहीं करवाया था। अभी मैं सिर्फ आधा घंटा ले रही हूँ क्योंकि मन कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी नहीं लूँगी क्योंकि मुझे शाम को प्रॉपर कुछ खाना भी है, इसलिए मैं इस समय सिर्फ आधा घंटा ले रही हूँ, बस इतना ही लिया, इतना खा लिया तब मुझे ध्यान आया कि मुझे रिकॉर्ड करना है, तो अभी मैं यही लूँगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट मील के टाइम पे मिलूँगी, और भुंटा इस मौसम में ना खाया जाए तो कैसे चलेगा, और भुंटे की शॉप देख के तो एकदम से मन करने लग जाता है, तो मैंने ये ले लिया, तो अब तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मील। कल जो खिचड़ी बनाई थी मैंने डाइट। हेलो गाइस, अभी हो रहा है 8:30, वैसे तो स्लॉट 10 बजे तक है मेरा, तो फिर भी मैं 8:30 बजे अपना डिनर ले रही हूँ, और डिनर में मैं 250 ग्राम कल जो खिचड़ी बनाई थी मैंने डाइट खिचड़ी वही बनाई है, और इसमें मैंने सोया चंक्स और पनीर ज़्यादा डाला था जिससे कि इसमें प्रोटीन की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाए और कार्ब कम ही रहे, और साथ में हमने ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी, तो इसमें फाइबर प्रोटीन और कार्ब तीनों आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और बहुत कम घी में हमने बनाया है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। कल भी मैंने यही ली थी, बच गई थी तो मैंने आज ले ली है, मैं खाना ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, डबल बना अगर ज़्यादा बन भी जाता है तो दूसरे दिन मैं खा लेती हूँ। साथ में मैंने ये 40 ग्राम दही दिया है, साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो ये 40 ग्राम दही है, और 250 ग्राम मैंने ये खिचड़ी ली है, तो अभी मेरे डिनर में यही रहेगा। अगर ये 1 वीक आपने मुझे फॉलो किया है और आप मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं अपने साथ, तो प्लीज़ गाइज अपनी पिक्स को मेरे इंस्टाग्राम आईडी से टैग करके ज़रूर पोस्ट करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको भी कोई अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM करके वहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपकी कोई क्वेरी हो इस मामले में कि ये डाइट कैसे की जाती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे DM करके वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके नीचे मुझे पूछ सकते हैं। अभी मेरा डिनर यही होगा, और आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो साथ में मेरी भी हेल्प हो। अगर आप अपना पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे DM करें और अपना वेट हाइट और एज मेंशन कर दें, तो मैं आपका जो डाइट प्लान है वो आपके अकॉर्डिंग निकाल के दे दूँगी। और बहुत सारे DM आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, एक साथ में सारे लोगों को डाइट प्लान नहीं बना सकती क्योंकि डाइट प्लान बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है सारे मैक्रो वगैरह निकालने में। तो गाइस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करें, और मेरी इंस्टाग्राम ID है reshapebymeetu, उसी नाम से ही है, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी पर अब मैं एक्टिव रहना शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर भी एक्टिव रहना है, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं बहुत आसानी से दे सकूँ DM में। और कमेंट करके आप बताते ही रहिए कि आपको और क्या क्या मेरी वीडियोस में नया चाहिए। हेलो गाइस, अभी हो रहा है 9:30, और मैंने आज स्लॉट 10 बजे के होने के बावजूद भी मैंने खाना 8:30 पे खा लिया था। उसका रीज़न ये था, लेने का मन कर रहा था तो मैं दूध लेने के लिए मैं ये बॉर्नविटा का ऐसे छोटे छोटे पैकेट रखती हूँ, 1-2 लाती हूँ, मैं जब भी कोई सामान लेने जाती हूँ तो 1-2 ही लाती क्योंकि मैं पैकेट वाला दूध लेती हूँ तो मुझे पीने में अच्छा नहीं लगता है और यहाँ आसपास अच्छा दूध नहीं मिलता है, तो मैं सोच रही हूँ 1 ग्लास मिल्क लेना है मुझे सोते टाइम, सोने से पहले मतलब मैं अभी ये मिल्क पीऊँगी, उसके बाद मैं वॉक करने जाऊँगी, अपने 10,000 स्टेप पूरे करने जाऊँगी क्योंकि अभी खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा वर्क किया था,
मतलब अपने स्कूल का काम किया था, थोड़ा अपना काम किया था, तो मैं जल्दी से लेती हूँ मिल्क और उसमें मिलाती हूँ अपना बॉर्नविटा और एक पीस लूंगी मैं डार्क चॉकलेट, जैसे हम चीनी या फिर गुड़ वगैरह की जगह मैं एक पीस डार्क चॉकलेट का लूंगी। तो जल्दी से पहले दूध गर्म करते हैं, फिर मैं आपसे पीते पीते मिलती हूँ। मैंने दूध को गर्म होने रख दिया है और मैं हमेशा अपने पास ये अमूल का डार्क चॉकलेट रखती हूँ। वैसे 70% वाला लेती हूँ, पर इस बार मैं जब लेने गई थी तो वो 70% वाला था नहीं, तो मैंने 55% वाला लिया है और मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो जब भी मेरा आपने देखा है, मैं जब भी खाती हूँ तो मैं दिखाती हूँ, जब भी एक पीस भी लेती हूँ तो दिखा देती हूँ। मैंने इस वीक में एक बार लिया है तो मैं इस बार खा सकती हूँ, एक और खा सकती हूँ आज। तो मैं ले रही हूँ, सिर्फ वन पीस लूँगी और ये नट्स वाला है, इतना सा पीस लूँगी अपने मिल्क के साथ। इधर मैंने दूध गर्म होने रख दिया है, इसको मैं फ्रिज में रख के आती हूँ।